तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। भाजपा सरकार ने ठान ही लिया है कि जब तक देश बेचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और वो बेच भी क्या रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। आम जनता की चुप्पी से ही भाजपा सरकार को साहस मिल रहा है। भाजपा इस जुल्म का सबसे बड़ा शिकार हुई है आम जनता, किसान, सर्वसामान्य दुकानदार, क्योंकि किसान को गिरह लाचार और कमजोर समझती है। शायद भाजपा सरकार को किसान की शक्ति का एहसास नहीं है, तभी तो बार बार आम जनता किसान के अधिकार पर धावा बोलती है ये भाजपा सरकार। भाजपा सरकार की गलतियों का खामियाजा हमारे आम जनता को तो भुगतना पड़ ही रहा है। युवाओं के रोजगार जा रहे हैं। अभी तक आई रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के रोजगार जा चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार तो अंधी हो चुकी है, हकीकत स्वीकार करना ही नहीं चाहती। मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। 6 साल हो चुके हैं, अब तक तो करोड़ों नौकरियां मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार मिलने की बजाय रोजगार हाथों से निकलते जा रहे हैं। भारत से उसकी आर्थिक समृद्धि, सीमाओं से सपमृद्धता, युवाओं के रोजगार, किसानों से उनकी आजीविका, मेहनतकश मजदूर से उनका आत्मसम्मान भाजपा सरकार ने छीन ही लिया। आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। चुनाव में मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़े बड़े वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने बिल्कुल इसके विपरीत ही काम किया है।